नमस्कार, स्वागत है आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। होली के त्यौहार की बधाई देते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि होली का त्यौहार हिंदू संस्कृति का सुंदर त्यौहार है जो कि सामाजिक रूप से हमें साथ रहने का संदेश देता है। लेकिन इस बार की होली की स्थिति बहुत विकट है क्योंकि कोरोना का संकट बहुत फैला हुआ है। लॉकडाउन को लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि लॉकडाउन की तरफ सरकार नहीं जाएगी, केवल संडे का लॉकडाउन किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, यही सरकार की अपेक्षा है। वहीं उन्होंने व्यवसायियों द्वारा सरकार से सामूहिक आत्मदाह की अनुमति मांगने पर कहा कि यह संकट बहुत विकट है क्योंकि उत्सव के कार्यक्रम पर ही उनका व्यवसाय निर्भर है, उनको निश्चित रूप से दिक्कत आ रही है। इसी को देखते हुए सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जान है तो जहान है, इसलिए हमें दोनों का ही ख्याल रखना है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर मंत्री सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि संकट नेता और जनता को देखकर नहीं आता। कांग्रेस की संस्कृति हर मुद्दे पर राजनीति करने और जनता को गुमराह करने की ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्लोगन दिया है, मेरी होली मेरे घर। उस स्लोगन को ध्यान रखते हुए होली मनाए, ताकत के साथ मनाए, उमंगता के साथ मनाए, पर उसके साथ साथ संक्रमण से बचने के भी पूरे उपाय करें, यही सबसे अपील है। पर होली सबको मुबारक हो, सबको इसकी शुभकामनाएं, और इस होली पर हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि कोरोना संकट पूरी तरह से अब समाप्त हो जाए। नहीं, देखिए जैसा पहले स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन की तरफ सरकार नहीं जाएगी, केवल संडे का लॉकडाउन किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, यही सरकार की अपेक्षा है। हम सब मिलकर कोरोना संकट से इसी तरह निजात पा सकते हैं कि हम कोरोना के जितने भी आचार संहिता हैं उसका पालन करते हुए अपने जीवन को जिएं। पर ये जरूरी है अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। जितना ज़रूरी हो उतना हम घर से निकलें और जहाँ ज़रूरी नहीं हो अपने घर तक सीमित रहें। देखिए ये बात सही है कि संकट बहुत विकट है और ऐसे व्यापारी जो कि उत्सव के जो कार्यक्रम होते हैं उस पर निर्भर है उनका व्यवसाय, उनको निश्चित रूप से दिक्कत आ रही है। पर संकट बहुत विकट है, ये सरकार की मजबूरी है। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से लॉकडाउन लगाया जाए, और उसी का परिणाम है कि लॉकडाउन नहीं लगाया है। क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान भी है और जहान भी है, हमें जान का भी ध्यान रखना है और जहान का भी ध्यान रखना है। कांग्रेस की संस्कृति त्यौहार की संस्कृति नहीं है, आइफा की संस्कृति है। चुनाव कांग्रेस की संस्कृति हिंदुओं की संस्कृति नहीं है, इटली की संस्कृति है। इसलिए हर मुद्दे पर राजनीति करना और राजनीति के माध्यम से जनता को गुमराह करना ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस के किसी भी वक्तव्य पर, किसी भी इस तरह के बयान पर हमें टिप्पणी करना अपना समय बर्बाद करना है। ऐसे विकट संकट में कांग्रेस को चाहिए कि राजनीति छोड़, जनता विकट संकट से बचे इसके उपाय में सहयोग करे।